देखिए कंपटीशन तो है ही नहीं, क्योंकि इस बारी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्टीज नहीं, क्योंकि पीपल वांट चेंज। तो जो वादे इन लोगों ने किए थे, जो बीजेपी ने नौकरियों के 15 लाख के, तो वो तो कुछ पूरा हुआ नहीं। तो लोगों को खुद समझ आ गया और लोगों को आज पूरा पता है कि हमें क्या बदलाव चाहिए और हमें किस तरफ जाना है। तो बाकी इलेक्शन में कोई कंपटीशन है ही नहीं। इंडिया ब्लॉक स्ट्रांग था, है और रहेगा। देखिए सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर क्या होता है ये चीज़ है। फिर आप देखिए कि जो बिजनेस ओनर्स हैं जिनको लॉसेस हुए हैं उनके साथ क्या कमिटमेंट्स की गई हैं, क्रॉप्स है किसानों के साथ क्या हुआ है। तो मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दा महंगाई है। तो इन ये हर इस पे हर कमिटमेंट पे फेल निकले हैं। तो इसलिए हमने सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें उतना एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ा क्योंकि लोग लड़ रहे थे, हम लोग नहीं लड़ रहे थे जी। हम 350 से ऊपर जा रहे हैं, ये तो दिस इज एविडेंट। उनके बोलने से क्या होगा, आज वो क्लेम करें 400 पार क्या तेल का प्राइस 400 पार। तो दिस इज दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट द ग्राउंड, वो आप बड़बड़ा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो ये एविडेंट है सबको कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑन 4th ऑफ जून।